हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन बिंदा जी एस फोरम। स्वागत है आप लोग अपने यूट्यूब चैनल बिंदा जी एस फोरम पे। तो फ्रेंड्स, तीन जो इम्पोर्टेंट अपडेट है जो लेके मैं आपके सामने हूँ। जो पहला अपडेट है कि जो कल से स्प्रिट फैल रहा है, ये जो BTSC बिहार तकनीकी सेवा आयोग को लेके जो राजीव रंजन कुमार का एक मेल है, और जो CITS को लेके इसके बारे में बात करेंगे कि ये CTI कंपलसरी के लिए है या अपलोड के लिए क्या है। इस पर कल मैं 7:30-8 बजे लाइव होके सब चीज़ बताया था, लेकिन क्लियर नहीं हो पाया था आप लोगों को। मैसेज बार बार हो रहा है, सारा चीज़ मैं क्लियर करूँगा। फिर जो कल का कोर्ट केस का जो अपडेट था, कल मेरे पास प्रूफ नहीं आ पाया था, अभी मेरे पास सारा जो कुछ भी आ गया मैं उस पर भी बात करूंगा। तीसरा, जो एक आर्थिक उगाही पैसे को लेके जो स्कैम चल रहा है कि कोर्ट केस को लेके जो पटना हाई कोर्ट में, उस पर भी बात करेंगे। आप ही लोगों में से जो भी ने शेयर किया है मैं उसको भी आज शेयर करने वाला हूं, और आप लोग कहते हैं कि क्यों मैं बार बार कहता हूं, इस पर बात करूंगा मैं। तो एक एक करके सारे अपडेट्स पर मैं बात करता हूं। तो ये देखिए, ये कोर्ट केस का है सब, और ये आपका ये जो मोटा रकम उगाही के लिए है, और जो कुछ भी है एक एक करके सब पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ये जो BTSC का जो ऑफिशियल अपडेट है, जो बिहार तकनीकी सेवा आयोग से के द्वारा जो सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार को जो एक मेल किया गया था, वहाँ पे स्पष्ट रूप से ये विषय में कहा गया है कि जो BTSC का जो एडवर्टीजमेंट नंबर 7/23/36 यानी ट्रेड ITI इंस्ट्रक्टर जो ITI कैंडिडेट है, अलग से पोर्टल खोल के जो तीन इंक्लोजर है उसको लगाते हुए बताया गया कि सामान्य प्रशासन विभाग का जो पत्रांक है 183/3/1/2024 मुख्यमंत्री सचिवालय का जो ML10102023153304062 और डैशबोर्ड कोषांग 27/44/14/2023 का मेंशन करते हुए ये कहा जा रहा है BTSC के द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग को कि उपयुक्त विषय का प्रशासनिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि जो 7/36/2023 जो ITI ट्रेड इंस्ट्रक्टर हैं उनका जो एग्जाम है हो गया है। अब एक चीज़, जब एग्जाम हो गया तो फिर से डॉक्यूमेंट अपलोड कैसे हो पाएगा, तो इसके संबंध में उक्त विज्ञापनों के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करने के समय CITS योग्यता धारियों का डिटेल अपलोड करने हेतु विकल्प दिया गया था, पुनः CITS से संबंधित विकल्प अंकित करने का अवसर नहीं दिया जा सकता है। यानी कि सामान्य प्रशासन विभाग यहाँ पे एक चीज़ स्पष्ट कर दिया है कि जब एक बार पोर्टल था, दो बार खुला मौका दिया गया, तो उस समय जितने लोग जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए वही मान्य होगा, उसके बाद से दोबारा पोर्टल नहीं खुलना चाहिए, और ये असंवैधानिक है और ऐसा होने से इनजस्टिस ही होगा। तो इसके लिए BTSC रिक्वेस्ट किया था कि जिनका अपलोड, तो वहाँ पे एक चीज़ स्पष्ट है कि जो टाइमलाइन होता है, जो डेडलाइन होता है, उसके बाद कोई भी अपना डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे BTSC के द्वारा रिक्वेस्ट किया गया है, लो उसी को संदर्भ में ये इसको रिजेक्ट किया गया है कि पुनः CITS, यहाँ पे देख लीजिए क्या है, पुनः CITS संबंधित विकल्प अंकित करने के अवसर नहीं दिया जा सकता। ये सामान्य प्रशासन विभाग स्पष्ट रूप से इस चीज़ को मेंशन कर दिया है, बता दिया है। तो ये तो रहा आपका लगभग ये डाउट क्लियर हो गया होगा। दूसरा, मैं आपको ये कोर्ट केस को लेके मैं ये अपडेट देता हूँ। तो सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, ये आपका 5/2024 का जो पेटिशन था और कल जो हियरिंग था उसके सामने आपका, तो कुछ ये ज़्यादा इस पर नहीं अपडेट हो पाया। ये भी कल का ये पेंडिंग है, ये भी देखिए स्टेटस पेंडिंग है, ये भी पेंडिंग है, ये भी पेंडिंग ही है, ठीक है। जितने लोग ये कोर्ट केस किए थे सबका पेंडिंग ही है, ठीक है। नेक्स्ट ये भी है, ये भी देख लीजिए आपका पेंडिंग ही है, ये भी आपका पेंडिंग ही है, ठीक है। उसके बाद ये भी देख लीजिए आपका पेंडिंग है, यानी कल कोई सा भी डिसीजन नहीं आया, और मैं जब तक प्रूफ के साथ नहीं हो पाता मैं उस चीज़ को नहीं बता पाता हूँ। इसलिए कल मैं, आप लोग बार बार पूछ रहे थे कि क्या अपडेट है, तो मैं यही बता रहा था कि 21 से 22, लेकिन 21 तारीख का डेट मिला है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि 21 तारीख को बहुत ज़्यादा एक निर्णायक मोड़ होगा, और उससे आपका
रिजल्ट और स्कोर कार्ड पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है। और जितने लोग सीबीटी पास है, चाहे वो सीटीआई चाहे नॉन सीटीआई हो, उनके लिए एक बहुत ही क्रूशियल और ब्रेकिंग और मतलब एक बहुत ही मार्वेलस दिन होगा। और वहाँ पे ये चीज़ डिसाइड हो पाएगा अकॉर्डिंग टू गजट, जो बिहार सरकार का गजट है जो 18 मार्च 2024 को जारी किया गया, उसके संदर्भ में ये 21 तारीख को जो भी होगा उस पर आज शाम फिर 7:30 में हम लोग इस पर बात करेंगे कि क्या होना चाहिए और दिन भर का क्या अपडेट है उसे लेके बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको मैं बता दूं कि ये कुछ लोग हैं जो गेस्ट वाले ही हैं जो मुझे भेजे हैं कि साथियों हमारे नेता फिर से खोखले सपने दिखा के, यानी कि आर्थिक शोषण की उगाही के लिए पैसा मांगा जा रहा। ऑडियो रिकॉर्डिंग भी वायरल हुआ है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे साफ साफ लिखा है जिसमें पैसा मांगा जा रहा है और कोर्ट केस के नाम पे ये पैसा इकट्ठा किया जा रहा है। ठीक है, तो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि इससे इनको भी समझ में आ गया है, ये देखिए अतिथि निदेशक की 60 साल की नौकरी पे हमको थागा जा रहा। तो ये तो स्पष्ट है पहले से भी कि जो लोग संविदा पे होते हैं एक्सपीरियंस उन्हीं को मिलेगा, किसी भी गेस्ट वाले को कोई सा भी एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। ये शुरू से मैं कहता रहा हूँ और आप लोग मेरे से पहले से काम करते लगभग 7-8 साल से काम, लेकिन इतना आप लोगों को समझ में नहीं आ पाया। अगर ऐसा होता तो आपको भी वेटेज मिलता, लेकिन आपको वेटेज क्या, आपको एक्सपीरियंस भी वहाँ पे काउंट नहीं किया जा रहा है। तो इससे एक चीज़ स्पष्ट हो जाता है कि आपका केस वहीं पे निराधार हो जाता है और इससे इस वैकेंसी को कोई लेना देना नहीं है। आप जो जहाँ का एक्सपीरियंस दिए हैं वो जेन्युइन होना चाहिए, वो सैलरी स्लिप ओरिजिनल होना चाहिए, वो आपका काम आएगा। ठीक है, तो इससे एक चीज़ क्लियर होता है कि जो भी पैसा है आप लोग सही हाथों में दें, जिसको जानते हैं फिजिकली उसको दें, सब किसी को पैसा ना दें। और आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, तो शेयर लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको सारा ऑफिशियल अपडेट मिलता रहे। 7:30 में फिर से लाइव हो जाऊंगा और आपका जो भी ऑफिशियल अपडेट होगा मैं आपको दूंगा। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड लिसनिंग ऑन बिंदा जीएस फोरम, कीप कंटिन्यू योर प्रिपरेशन। और शाम को जो भी क्लास का है मैं आपको उसकी पूरी जानकारी एक बार फिर से दे दूंगा। थैंक यू।